सफीरे पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीरे पाकिस्तान हर जगह हर पल आपका अपना सफीरे पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह जब भी 23 मार्च का महीना आता है तो तमाम तर पाकिस्तानी 23 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होते हैं और ये दिन बड़े एहतराम और अकीदत के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें पाकिस्तान की दाग बेल डाली गई और 1940 में क़रारदाद पाकिस्तान पास हुई और उसके 7 साल बाद पाकिस्तान मार्द वजूद में आया और इस तरह हमें एक रहने के लिए छत मिल गई, यानी कि अपनी सकाफत के अंदर, अपने मज़हब के असूलों के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक हमें एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन मुल्क मिल गया। और जब ये मुल्क मिला था तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है। गो के मुश्किल हालात हैं, परेशानियां हैं, दुनिया में हालात बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी तरक्की की जानिब गामजन है। नाज़रीन, हर साल 23 मार्च के मौके पे फ्लैग होस्टिंग होती है। दुनिया भर में मुख्तलिफ सफारतखाने अपने अपने अहाते में, अपने अपनी एम्बेसी के अंदर प्रोग्राम करते हैं और कुछ लोग बैंक्वेट हॉल में भी जाते हैं, होटल में जाते हैं, लेकिन इस बार लॉस एंजलिस की कम्युनिटी ने एक नया अंदाज़ अपनाया, एक नया तासुर दिया, एक नया ख्याल दिया कि हम किस तरीके से अपने अमेरिकन कम्युनिटी को और दूसरी कौमों को बताएं कि ये 1940 है क्या, ये क़रारदाद पाकिस्तान एक्चुअली है क्या। देखिए, विजिबिलिटी और बहुत ज़रूरी है, इमेज बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो इस सिलसिले में सफीर पाकिस्तान और एक मकामी अखबार, माशाल्लाह बहुत बड़ा अखबार है, पुराना अखबार है, पाकिस्तान लिंक, जिसके रुए रवा अब आरिफ मंसूरी हैं, और सफीर पाकिस्तान ने मिल के ये अहद किया कि हम एक अच्छा, बहुत ही मॉडर्नाइज ऑर्गेनाइज फेस्टिवल करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि 23 मार्च के हवाले से होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा अज़ीम शान प्रोग्राम था, जिसमें तकरीबन 15,000 लोगों ने शिरकत की। इसमें बहुत ही ऑफिशल्स आए और बड़ी अच्छी अटेंडेंस थी ऑफिशियल की, जिसमें कांग्रेसमैन, सैनेटर्स, काउंसलमैन, मेयर, थिंक टैंक्स, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल सब ने हिस्सा लिया। और इस प्रोग्राम को जो मेजरली ऑर्गेनाइज करने में ऑफकोर्स पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम शाना बशाना थी, सफीर पाकिस्तान के और पाकिस्तान लिंक के। इसके अलावा यह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन अफेयर्स कोपा, इसके प्रेसिडेंट अदान हैं, और UAPID यूनाइटेड फॉर पाकिस्तान जो पाकिस्तान डे मनाती है, उसके सदर समीर फारूकी, उर्दू राइटर सोसाइटी जिसके रुए रवा हैं जनाब इरफान साहब, ये भी हमारे साथ मिल गए। इसके अलावा पाकिस्तान शहर फटवारी कौंसल, पाकिस्तान अमेरिकन CEO फोरम सब ने इसको ताकत दी, हौसला दिया और ये प्रोग्राम नहायत ही कामयाब तरीन रहा। आप ज़रूर उसकी फुटेज देखेंगे, उसकी प्रोग्राम देखेंगे, बच्चों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम था, उसमें चूचू ट्रेन थी जिसको बहुत लोगों ने, बड़ों ने भी उस ट्रेन में सफ़र किया। इसके अलावा गीत और संगीत का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत था और तकरीबन 80 से ज़्यादा बूथ थे और खाने ने तो अपनी रिकॉर्ड कायम कर दिया और इतना लजीज तरीन खाना शायद लोगों ने कभी ना खाया हो, क्योंकि हमारे सामने गर्म गर्म खाना बन रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम हमने जो अचीव किया, उसमें जो अमेरिकन आए और दूसरी कौमें आईं, उन्होंने पहली बार लर्न किया अबाउट रेजोल्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान, कि रेजोल्यूशन क्या था और क्या रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके तहत हमें एक मुल्क चाहिए था जिसमें हम अपनी सकाफत, अपने ट्रेडिशन, अपने मज़हब, अपने रसूमात के तहत ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। और इस खूबसूरत प्रोग्राम को प्रोग्राम डायरेक्टर फातिमा खान ने प्रेजेंट किया नहायत ही आला तरीके से, और इसमें एक्चुअली मेजर जो कंट्रीब्यूशन काम था जिसमें आरी मंसूरी और प्रोग्राम डायरेक्टर सफीर पाकिस्तान फातिमा खान, दे आर द मेन ब्रेन चाइल्ड एंड फोर्थ बिहाइंड द वर्क जिसको उन्होंने किया। अब मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड
सेटिंग है जिसको ट्रेंड सेट किया है हम लोगों ने कि हम 23 मार्च का प्रोग्राम भी 14 अगस्त की तरह एक बड़ा प्रोग्राम करें। तो नाज़रीन आइए बिला ताख़ीर के आपके लिए चलता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि यह प्रोग्राम बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत भरपूर प्रोग्राम है, काफ़ी लोगों के व्यूज़ हैं, ओपिनियन हैं। और एक बार फिर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। मैंने सुना है डेलस में भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम किया है अंजुम अरवन ने, जो PCNT की प्रेसिडेंट है, जिसमें हमारे बेहतरीन दो जनाब जावेद अनवर साहब आए थे और उन्होंने सेंटर के लिए बहुत कुछ काम किया है और बहुत बड़ा इनाम भी दिया है। उसका जिक्र आने वाले आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं रेजोल्यूशन डे का ये खूबसूरत प्रोग्राम, हसीन तरीन प्रोग्राम आप सबके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। 23 मार्च हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है, खुसूसन सिफारत खाने अपनी तकरीब करते हैं और फ्लैग होस्टिंग भी करते हैं। लेकिन इस साल लॉस एंजल्स में जियो के मशहूर प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान और एक मशहूर मुकामी अखबार पाकिस्तान लिंक ने मिलकर एक तारीख रकम कर दी और एक नया अंदाज अपनाया और पाकिस्तान की करारदाद के इस अहम दिन के लिए जनरल पब्लिक और मुकामी अमेरिकन के लिए आम कर दिया और उनको बावर कराया कि करारदाद पाकिस्तान जो 1940 में पास हुई थी उसका मकसद जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनके लिए एक अलहदा वतन बनाया जाए जो अपनी सकाफत और मजहब के साथ आज़ादी से रह सकें। आज का 23 मार्च का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला था जिसमें 15,000 लोगों ने शिरकत की और अमेरिका के सबसे बड़े बेसबॉल स्टेडियम एंजल स्टेडियम में ये मेला मुनक़द हुआ जिसमें कांग्रेस वुमेन मैक्सिन वाटर, कांग्रेस मैन जनाब एड रॉयस, सेनेटर डॉक्टर ली और बहुत सारे काउंसिलमैन और होमलैंड सिक्योरिटी से वाबस्ता लोग और व्हाइट हाउस से भी लोग आए और इसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। 80 सुपर बूथ थे और बच्चों के लिए नहायती शानदार इंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर IPPA ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी किया, बाद हज़ार इन लोगों को अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर मौसीकी का भी बड़ा बेहतरीन इंतजाम था। इस मौके पर बेंजामिन सिस्टर, हनीफ नूर मोहम्मद और अरशद अली ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया और लोगों के दिल लूट लिए। इस तकरीब को तमाम मुकामी तंजीमों ने सपोर्ट किया। सफ़ीर पाकिस्तान की प्रोग्राम डायरेक्टर फातिमा खान ने प्रोग्राम को नहायत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कौंसलेट ने अहम किरदार अदा किया और ये तकरीब तारीख मोड़ इख्तियार कर गई और एक हसीन और खूबसूरत यादों के साथ ना भूलने वाला तासर छोड़ गई। वतन से दूर वतन की महक जिंदा दिलाने लॉस एंजलिस के दिलों में रिश्ती बसती है।
First of all, on behalf of the organizing team, which consists of two media giants, Pakistani Urdu League, Safire Pakistan, the famous program that you watch on GeoTV every Saturday, they are the brainchild to organize this program today on the auspicious occasion of Resolution Day of Islamic Republic of Pakistan in this iconic place, the Angel Stadium, the home of Los Angeles Angels. Please give them a big round of applause. This is the first time we're holding this event at this location. Inshallah, there'll be more. So please, and we are very thankful to IPPA, Irvine Pakistani Parents Association, for collaborating with us to organize this venue for you. Isn't this beautiful? It's right in the heart of Orange County. I would like to begin our program with recitation of Holy Quran. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صدق الله العظيم Thank you.
प्रेसिडेंट ऑफ उर्दू राइटर सोसाइटी। वतन का एक एक मंजर न मैं भूला न तुम भूला। वतन का एक एक मंजर न मैं भूला न तुम भूले, अभी तक वो पुराना घर न मैं भूला न तुम भूले। वतन छोड़ा तो सब कहते थे सब कुछ भूल जाओगे, वतन छोड़ा तो सब कहते थे सब कुछ भूल जाओगे, मगर कुछ भी यहाँ आकर न मैं भूला न तुम भूले। ये मेरे साथ दोहराइए आप कि न मैं भूला न तुम भूले। वो कहते थे कि तुम पीपल की ठंडी छांव भूलोगे, गली अपनी मकान अपना तुम अपना गांव भूलोगे, ये बस्ती और अपना शहर अपना घर भुला दोगे, तुम अपने घर की दीवारें तुम इसके दर भुला दोगे, मगर कुछ भी यहां आकर न मैं भूला न तुम भूला। Very fortunate to have everybody and this group supporting us today. I would like to begin with inviting Mr. Arif Mansouri, the organizer of this event, to talk, say a few words about Pakistan Resolution Day. Mr. Arif Mansouri. I just want to very briefly tell you how this event came about. And actually, if you could see, there is a tremendous amount of crowd out there that is right here celebrating, commemorating March 23rd, Pakistan Resolution Day. As you know, Pakistan Link last year had joined hands with the Consulate of Pakistan, and several of you were there, Congressman Ed Royce, you were there, and several others were present. Last year we did a smaller event, 500 people sit down there. So when 23rd March came this year, the Consul General, the Consul said to me that, hey, that was great, but now can we do it better? So I said, okay, let's do it better. So it started from a sit-down dinner and kept growing to it became this big giant festival. So when it became giant festival, I invited my co-organizer of today's event, Safira Pakistan, which is the largest television program of Pakistani-American community in America. Bahar Ali Khan Sahab is a very well-known, very liked figure in America, in the Pakistani-American community. He said, look back to my call for help, and he said, I'll join you. And then we went out and we invited all the other major organizations, and they all agreed to partner with us on this event. Now I'd like to invite Mr. Waqar Ali Khan to also shed light on this program and his view about Pakistan Resolution Day. Mr. Waqar Ali Khan. This is the beauty of America. What a beauty. In America, there is one Pakistan here. There's the American Constitution allowed you to keep your culture alive. Your religion is alive. That's why the America is the biggest, the super duper country in the whole world, because they take care of you. They are concerned about you. And that there is no color, no religion, no language here. It's a one America, one world, one America. And look at this, about a thousand people here today, and that shows how important is the freedom. About the Resolution Day of Pakistan, definitely that's the backbone of the Pakistan. That's why the Pakistan today, because we need a land where we can live with our own culture, with our own religion, and we build the Pakistan for our upcoming generation. And mashallah, Pakistan is a sixth atomic country, very vibrant country. Inshallah, you'll see the Pakistan one day for the richest country after America, because we have a lot of resources. We have an open sea, we have mountains, we have fertile soil, we have a younger generation in Pakistan.
Miss Lucille Pring, she is the councilwoman from Anaheim running for the mayor to say a few words. I am so delighted to be here on March 23rd celebrating your resolution day, and I'm not going to take a lot of time, but also thank you for choosing Anaheim and Angel Stadium, the home of our great Angels baseball team. So thank you, enjoy your day. I'd like to invite Mr. Tony Mendoza. You know, I'm very excited because in my city we have a very diverse council. We have a Latino, we have a Portuguese, we have a Brazilian, we have a Dutch. We have a mixture, but more excitingly, we're proud to have the first Pakistani American to be elected to the Rashida City Council, Mr. Sajjad Ali. Ali Sajjad Taj. Very excited. I love diversity. I love to work with this man here. I've never seen anybody work as hard to run for office, well, except myself. But anyway, this guy did a great job in our teaching. Next, I'd like to invite Senator Leland Yee. We hold a Pakistani Appreciation Day. And part of the reason why we do that, and part of the reason why we constantly remind all of us that Pakistanis are Americans, they are our family, they are our friend, they are our neighbor, they are part of our community. And because of that, it is because of all of that understanding that we are strong up there. And because of what you do down here, you are strong out here. And a reflection of your strength is when you have all of these elected officials, all the power of both the state, the city, the federal, they are here to honor you for what you do to enhance the community out here. Our very dear friend, Ms. Maxine Water. I commend you on understanding, appreciating, and recognizing in a profound way the independence of Pakistan. I appreciate the sacrifices that were made to get to this resolution day. I appreciate not only the struggles that have taken place, but I commend you for never forgetting your homeland of Pakistan, connecting always, and letting the people in Pakistan know that yes, you're in America, and you appreciate all of the opportunities here, but it all started at home in Pakistan. In Islamabad today, the military and the civilians are all marching and having a great parade, and resolutions and awards are being given out. And they need to know what you have organized here in Anaheim. Next, I'd like to invite Mr. Ed Royce to come forward and say a few words. One of the things that I've learned in my 3 trips now to Pakistan is that here in the United States, in the Pakistani-American business community and among the doctors are those who really understand, because they give their hard-earned money to charities in Pakistan and to schools, how to help us. And we are now working with USAID in order to involve the Pakistani-American business community in this effort. I'm the author of legislation to try to bring textiles into the U.S. duty-free in order to help promote stability in Pakistan. And lastly, I wanted to share with you that we're working on legislation now for uninterrupted power to try to help create energy where businesses can invest and know that there won't be power interruptions. This will bring economic growth and stability. Thank you all very much for having me here today. Now I'd like to invite Mr. Adnan Khan to introduce the next speaker, Mr. Khan. Our next speaker is Dr. Janice Scott. Now, it's a great honor to have a person from the White House. She was appointed by President Barack Hussein Obama. She serves as a person to us in the interfaith communities. I have worked with Janice Scott, and recently I was awarded the highest award in the nation, and Dr. Janice Scott was there at the White House. Dr. Janice Scott. On behalf of the President, I greet you this afternoon with the greetings of peace. Assalamu alaikum. I'm grateful to be here today to extend warmest greetings and wishes for a wonderful Pakistan Day. We in the United States are greatly blessed by the people of Pakistan and certainly by Pakistani Americans. Today you all showed me
that not only are you truly Pakistani, but you are also truly American. Next, I'd like to request Mayor Mary Sue from Walnut to please come forward. She has a proclamation. Well, it's my great honor here today to help celebrate this wonderful day. And I also want to extend my sincere congratulations for the Pakistan community. Pakistan is one of the most beautiful countries because you have so many beautiful girls there. You agree, right? Yes, yeah. Well, I especially want to thank you, amen, yes. I want to specially thank Mr. Khan for his leadership and for all his dedication to the Walnut community. So on behalf of City of Walnut, we want to extend our sincere congratulations and also deepest appreciation. Our State Assembly, Kurt Hackman, cannot be here in person, so he would like to extend this congratulation also. On behalf of Kurt Hackman, we want to present a certificate to Council General also. Thank you. Truly an honor and pleasure to give this proclamation to the Acting Consul General here from the city of Artesia. I'm truly honored to give this to Mr. Khalid Ijaz. She, like I, am very interested in advancing a friendship city. We hope to have a friendship city resolution and action item on the agenda for the City Council. That the city of Irvine might establish a friendship relationship with Karachi on April 8th. It's a matter of great pride for all of us to see all the community leaders, our great community leaders, on the stage joining hands to commemorate in a vast manner the Pakistan Resolution Day for the first time. And really, Excellency, we are very much proud of Pakistani diaspora in America as Congressman Ed Royce and Congresswoman Maxine Waters were there in the early morning reception at the Council General's residence, and we were delighted to see their remarks and support for Pakistan and Pakistani community. While they have great love for Pakistan, I must commend that it is because of you people, because you are the bridge between Pakistan and USA. Rehan Siddiqui and Rolls Royce presents the biggest opening concert of 2014. Atif Aslam and Shamily Kolgani. Live in Houston, Sunday, March 30th at the Reliant Arena. Presenting live Bollywood superstar Preeti Zinta. It's the time to disco. Hi Houston, this is Preeti Zinta. Get ready for a fun-filled evening with me, Atif Aslam and Shalmani. This event is brought to you by Hum Tum Radio and Rehan Siddiqui. So, see you in Houston. Book your tickets now. For VIP tickets and meet and greet, call Rehan Siddiqui at 713-545-4115 or log on to humthumradio.com. This is Rehan Siddiqui inviting you for one of the biggest opening concert of the year, 30th March, Reliant Arena. Mezban Biryani Center. Zayqedar, Mazedar, Khushbudar, Sofitaz Zabiha Halal, Mughlai Khane. हैदराबादी और पाकिस्तानी खानों का वाहिद मरकज पार्टी और कैटरिंग के माहिर साल साल का तजुर्बा और आला खिदमत के साथ बेमिसाल मेजबान कम टू मेजबान एंड ईट हलाल फूड Thank you.
Yom-e-Azadi Pakistan Day. We're going to start with the children's program, inshallah, and we'll start with the tilawat with my Asra Ifan. खुला है सभी के लिए बारे है बंद खुला है सभी के लिए बारे है बंद वहाँ कोई रुतबे में अगर नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं मस्जिदों
The food was amazing. जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें यहाँ तो आके अच्छे खूबसूरत लोग घूम रहे फिर रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लोग आ रहे हैं बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को याद करने का दिन है जिस दिन हमारे आबाओ अजदाद जो हमारे लीडर थे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा बहुत बढ़िया जी मेले यहाँ काफ़ी देखते रहते हैं हाँ जी देखते रहते हैं जी वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह बकरी साहब कैसे हैं आप कैसा लगा मेला आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा है प्रोग्राम काफ़ी लोग हैं काफ़ी रौनक लगी हुई है फेस्टिवल एंजॉयेंगे यस ऑफ कोर्स यू डूइंग गुड बिजनेस टुडे वेरी नाइस या
चंगा है? बहुत अच्छा है। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया 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 जी, बढ़िया जी। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शो आई एवर सीन ऑल द वे फ्रॉम कैंसस सिटी मिजूरी। आई इविन पुट इट ऑन फेसबुक दैट आई एम गोना कम टू दिस वन बिकॉज़ आई नो यू हैव द बेस्ट Best, best things for all of the Pakistanis. ठीक ठाक, आप सुनाए? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। Really good. I'm enjoying it. माशाल्लाह बहुत अच्छा, very good. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज माशाल्लाह और very good. I'm very happy. तो भाई कैसा कैसा लग रहा है आपको मेला? Alhamdulillah, it's going really, really well. I love the festival. The food is great. People are great. We're having a good time. Yes. Alhamdulillah. Hey, शख्बार. Very good. कैसा जा रहा है मेला? सही, बहुत अच्छा जा रहा है. अल्लाह का शुक्र है. शुक्र है माशाल्लाह. खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं फर्स्ट टाइम इस तरह देखा है, इतना खुला 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 मेला है. खुला मेला, खुला डुल्ला मेला. ये देखिए चिकन टिक्का बन रहा है माशाल्लाह, ये बिल्कुल जबरदस्त फ्रेश चिकन टिक्का है, छोला कबाब है. अच्छा अच्छा, किधर है ये पराठे बन रहे हैं? ये पराठे गया देखो तेल के अंदर, दूसरा बना, दूसरा बना रहे. ये देखो ये उन्होंने पलटा दिया इसको. आई थिंक बहुत अच्छा मेला रहा और काफ़ी लोग आए हुए हैं और आपकी सपोर्ट, ये कम्युनिटी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर. एवरीथिंग इज गोइंग वंडरफुल. मेला बहुत अच्छा जा रहा है अभी तो फिलहाल. हाँ, सब अच्छा जा रहा है एकदम. How's everything going? Everything is going well and I'm here on a Pakistan day. Love to be here. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है. I really enjoy it. It's great. It's going great. It's going really good. Yes. कैसा जा रहा है मेला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा. बहुत जबरदस्त जा रहा है, बहुत अच्छा. हम लोग का तो बहुत अच्छा रहा है. मेला तो बहुत अच्छा जा रहा है. A lot of people are enjoying and having fun. Thank you for putting this up, जी. वकार भाई, ये आपकी वजह से जो है कि आज हमारा बूथ लगा हुआ है. और what you've arranged for here is just awesome. The kids have just been having a blast today. It's been so much fun. How's the business going? Very good. Sab alhamdulillah, very nice. This is okay. It was really busy. माशाल्लाह जी, फेस्टिवल बहुत अच्छा है और अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप लोगों ने इतनी रौनक लगा दी है. How's the festival going? पाकिस्तान डे कैसा जा रहा है? What? Good. Good. तमाम जो हमारे आए हैं बूथ, दे आर वेरी हैप्पी. मेरा नाम सोहेल मसूद है, मैं काबा फ्यूजन का सीईओ हूं. काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में. हम लोग मरीजों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयां और नर्सें भेजते हैं. हम हर तरह की बीमारियां ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीजेज हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है. वो बीमारियां ऐसी हैं जैसे माइसिनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है. तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं. तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं. शुक्रिया. If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. Rehan Siddiqui and Rolls Royce presents the biggest opening concert of 2014. Atif Aslam and Shamali Kolgadi.
live in Houston, Sunday, March 30th at the Reliant Arena. Jab saanson mein teri saansein ghuli. Presenting live Bollywood superstar Preeti Zinta. It's the time to disco. Hi Houston, this is Preeti Zinta. Get ready for a fun-filled evening with me, Atif Aslam and Shalman. This event is brought to you by Hum Tum Radio and Rehan Siddiqui. So, see you in Houston. Book your tickets now. For VIP tickets and meet and greet, call Rehan Siddiqui at 713-545-4115 or log on to humtumradio.com. This is Rehan Siddiqui inviting you for one of the biggest opening concerts of the year, 30th March, Reliant Arena. Gandhar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road, Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Gandhar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Islay, New Jersey, 732-283-0900. नादिन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से, यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था सफ़ीर पाकिस्तान जियो का मशहूर प्रोग्राम और मकामी अखबार पाकिस्तान लिंक, उर्दू लिंक, जो सबसे पुराना और सबसे पायनियर अखबार है इंग्लिश और उर्दू का। इसके रुए रवा हैं जनाब आरिफ मंसूरी और प्रोग्राम के डायरेक्टर फातिमा ख़ान, जिन्होंने मेहनत से काम किया। इसके अलावा डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें मैं जिक्र करूँगा, अलमास अहमद, शकील, बहुत काम किया इन लोगों ने, बड़ा साथ दिया हमारा, इदीस मलिक साहब, गयास फारूक साहब, वसीम कैसर साहब, ये वो लोग थे। ऑफकोर्स हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कामर्स जनाब ज़ुबैर रवाज़ा साहब, इकबाल कासिम साहब, यू नो इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की और बड़ा सपोर्ट किया प्रोग्राम को। और इसी तरह ये टीम वर्क है, देखिए अगर आप में टीम है और अच्छी कोऑर्डिनेशन है और डिसीजन मेकिंग अच्छी आपकी, तो यू कैन पुट टुगेदर अ वेरी गुड प्रोग्राम। और अवॉइड पॉलिटिक्स ऑन द डे ऑफ पाकिस्तान और 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, अपने अंदर यूनिटी रखें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें और अच्छे आइडियाज़ को अडॉप्ट करें। नादिन, तो ये था आज का खूबसूरत हसीन प्रोग्राम, आपकी नज़र हमने किया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हम ऐसे प्रोग्राम कर सकेंगे अगर आपका तआवुन, आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत हमारे साथ रही। सफ़ीर पाकिस्तान देखते रहिए, और कोई ऐसी अगर शख्सियत है जिसको आप चाहते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान तक लाया जाए, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। इसके अलावा मैंने कई बार कहा है कि हमें हर शहर में ब्यूरो चीफ चाहिए, एजाजी नुमाइंदे चाहिए सफ़ीर पाकिस्तान के, हमसे रबता कायम करें ताकि हम आपको ट्रेन करें और आप हमारे नुमाइंदे बन जाएँ। नाज़रीन, तो ये थी आज की खूबसूरत तरतीब व पेशकश, के साथ ही आपका मेज़बान वकार अली खान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।